शुजालपुर के द्वारा स्थानीय जटाशंकर महादेव मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मेला एवं दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दीपक जोशी थे। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री दीपक जोशी ने हितग्राहियों को अनेकों योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया और कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जिले के सभी विभागों से आए अधिकारियों से उनके स्टॉल पर जाकर जानकारी भी ली। साथ ही स्कूल विभाग द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। अतिथि द्वारा दूर दूर से आए कई दिव्यांगों को ट्राइसिकल एवं श्रवण यंत्र भी वितरित किए गए। शुजालपुर क्षेत्र विधायक जसवंत सिंह हाडा, कालापीपल क्षेत्र विधायक इंदर सिंह परमार, अकोदिया नगर पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह मंडलोई आदि भी मौजूद थे। शुजालपुर से अविनाश सिंह चोरडिया की रिपोर्ट। देश में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि नेतागण सरे आम गाली गलौज पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने तो हद ही पार कर डाली। कोलारस और मुंगावली चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर वो इतने बौखला गए कि सार्वजनिक मंच से मां शब्द की मर्यादा को उन्होंने तार तार कर दिया। जी हाँ, यह शर्मसार करने वाला वाकया हुआ राजगढ़ जिले के पचोर में। 16 करोड़ की लागत से बनने वाले लिंक रोड के भूमि पूजन के समारोह के मंच पर हुआ। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान और सद्भावनाओं की बात करती है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले मंच से माँ बहन जैसे पवित्र रिश्तों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। सांसद रोडमल नागर, ब्यावरा विधायक नारायण सिंह पवार, जिला अध्यक्ष बद्रीलाल यादव ने शिरकत की और जनता को संबोधित किया। लेकिन इस संबोधन के दौरान जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के गुणगान करते करते मंच से ही माँ शब्द की मर्यादा को तार तार कर दिया। जैसे ही संबोधन के दौरान बात मुंगावली और कोलारस की आई तो जिला अध्यक्ष अपना आपा खो बैठे और मंच से मां की गाली दे बैठे। हम लाए उसको 30,000 वोट से हमने कान लाके छोड़े उन्हें। अब हो जाएगा आमना सामना, अभी आ गया थोड़ा दिन और कठिन चुनाव का, देखेंगे मुंगावली और कोलारस। जिला अध्यक्ष मंच से कुछ भी बोले जा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि अभी उनकी सरकार नारियों का सम्मान करने की बात करती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करा और एक तरफ जिला अध्यक्ष जी माँ बहन के नाम से अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, वो भी खुले मंच से। ये चीज़ उनको बहुत भारी पड़ेगी। महिलाओं का जो अपमान उन्होंने मंच से किया है उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हम इसकी, मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नीलू दुबे, सारी महिलाओं की तरफ से उनकी कड़ी निंदा करती हूँ और इसके खिलाफ हम उनको FIR करवाएंगे। क्या एक्शन रहेगा आपका, जब उन्होंने गाली दी तो क्या क्या एक्शन आपकी ओर से रहेगा? क्या महिलाओं का जो अपमान उन्होंने कराया उनको खुले मंच से महिलाओं से माफ़ी मांगना पड़ेगी। अगर जैसे माफी उन्होंने नहीं मांगी तो क्या आपका जो धरना है ये? हाँ, हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। बहुत अपमान उन्होंने मंच से महिलाओं का किया है। अब चूंकि सत्ता भी उनकी है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप FIR कराने में कामयाब हो पाएंगे? हम अपना काम तो करेंगे, हम इंसाफ तो मांगेंगे। आज कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोडमल नागर द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का लोकार्पण किया था। उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव द्वारा अशब्द कहते हुए गालियां दी गई मंच, इसमें आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल जी यादव साहब हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, वो इस समय सत्ता के मद में इतना चूर हो चुका है कि उसे शिष्टाचार और सामान्य एक दूसरे का राजनीति में किस प्रकार से आचरण करना चाहिए इस प्रकार का भी उनको ज्ञान नहीं है। और एक संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मंच से इतनी भद्दी गालियां देना निश्चित तौर से ये उनके छोटी मानसिकता का और उनके अशिष्ट होने का बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस प्रकार से जो शुरुआत उन्होंने करी है ये गंदी राजनीति की शुरुआत है
और उनको इस काम के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। कहा जाए सक्सेना जी के आज महिला कांग्रेस द्वारा पचोर में भद्रीलाल यादव का पुतला भी जलाया गया है। निश्चित तौर से भद्रीलाल जी का जो काम था ये इसी लायक था, और यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर नहीं प्रदेश स्तर पर भी उनका जो है यही हर्ष करेगी जो महिला कांग्रेस ने पचोर में किया। अब हमारी बात हुई है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित सक्सेना जी से, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और अपनी बौखलाहट में उन्होंने इस तरह का बयान में गाली के शब्दों का प्रयोग किया है, तो कांग्रेस पार्टी अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगे तो उग्र आंदोलन के लिए भी और कहीं ना कहीं पुतला दहन जैसी समस्या। सारंगपुर से सलमान अली की रिपोर्ट।